नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और सीधे हम बढ़ेंगे अब खबरों की ओर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुमका के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार के प्रयास की सराहना की थी। राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सपन कुमार ने न्यूज बाइस्कोप को बताया कि उनके कामकाज की न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सराहना हो रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता शहनवाज ने। शिक्षा दिवस है, लिहाजा राज्य भर में वैसे शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जो नए इनोवेशन के साथ इस जगत में काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सपन कुमार जी, जिन्होंने न सिर्फ झारखंड के स्तर पर बल्कि देश और दुनिया के स्तर पर नाम कमाई है। ये बात हम खुद नहीं कहेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सपन जी, आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन के बात कार्यक्रम में आपके नाम का जिक्र किया था, वो क्या था? निश्चित तौर पर सर, 2020 में जब कोरोना काल में पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ और सब कुछ बंद हो गया था, तो उस पीरियड में हमने हमारा जो गांव का जो बनावट है सर, हम जिस गांव के टीचर हैं वहां स्मार्ट मोबाइल अभिभावकों के पास नहीं है, जिस कारण हमने अपने आइडिया से बच्चों को सर ब्लैक बोर्ड बना करके सभी घरों में दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बना करके हम लगातार बच्चों को पढ़ा रहे थे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम झारखंड में पैदा हुए हैं और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो कल्चर है सर, हमने सर नेचुरल कलर से सब चीज़ को बनाया था। और इस बात की जानकारी, हमारे इस छोटे से प्रयास की जानकारी जब देश के माननीय प्रधानमंत्री को भी हुई तो उन्होंने इसकी सराहना की, जिससे कि हमारा काफ़ी उत्साह दुगुना बढ़ा। ये आइडिया आपने सोचा, लोगों ने बताया, ये इनोवेशन आया कहाँ से? सर, निश्चित तौर पर हमने इसे सोचा, चूँकि 329 आज के समय में हमारे बच्चे हैं और हम उस विद्यालय के टीचर हैं जो कि हमारे बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। पहली बार वहाँ के बच्चों ने कलम और कॉपी किताब को छुआ है। बच्चे नहीं पढ़ते तो वो बाल मजदूर बन जाते, वो निश्चित तौर पर उसका पलायन हो जाता, बच्चियों की बेटियों की बाल विवाह हो जाता, जिस कारण हम लगातार सोचने के बाद इस आइडिया का हमने खुद इजाद किया है। और खास बात ये भी बताना चाहेंगे कि सपन जी का जो इनोवेशन था, जो इनका जो इजाद था, वो सिर्फ ना देश के स्तर पर बल्कि चाइना जैसे देश में भी इनके इजाद को सराहा गया और वहाँ के जो सरकारी चैनल है उसमें इनके कार्यक्रम को प्रसारित किया गया। क्या वो इनोवेशन के, क्या उस प्रोग्राम के माध्यम से बताया गया था? अभी इसी महीने में हमने देखा है कि चाइना का CCTV चैनल है, उसमें हमारे इस नवाचार को दिखाया जा रहा है, चूँकि वो चाइनीज भाषा में जो एंकर बोल रही हैं। लेकिन मेरा जो कलकत्ता के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने मेरे गांव में आकर के विजिट किया था, उन्होंने ही उस रिपोर्ट को पेस्ट किया होगा, उन्होंने भेजा है। और वो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए पुनः गर्व की बात है कि भारत के, हम झारखंड के हमारे जैसे शिक्षक का भी एक नवाचार चाइना में दिखाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर। तो ये थे सपन कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि नई इजाद, नई तकनीक और नए सोच के साथ अगर बच्चों के बीच में जाया जाए तो न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई होती है बल्कि देश और दुनिया में भी उनकी आवाज़ पहुँचती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य जो शिक्षक हैं जो इससे अब तक दूर हैं, इसे महरूम है, और जो बच्चे इसे महरूम हैं उन तक भी इनका इनोवेशन पहुंचेगा और उनको फ़ायदा पहुंचेगा। कैमरामैन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज़।